हेलो एंड वेलकम गाइस टू ब्रांड न्यू वीडियो, एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और जो कोई भी चैनल में नए हैं वो चैनल को मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी ये कस्टम खेलने का मौका मिले, ठीक है, जो कि डेली होता है। तो ज्वाइन करने के लिए कुछ करना नहीं है, सीधा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप लिंक है वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि कस्टम के रिलेटेड कुछ भी बातें होती है तो वहीं पे होती है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। भाई मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, डेली कस्टम कराता हूँ और संडे स्पेशल जो मैच होता है वहाँ पे यूसी गिव अवे होता है, तो मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा प्यार दिखाओ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं हम टीम नंबर 2 और सामने कोई टीम है टीम नंबर 25, तो उसके साथ फाइट देखने के लिए मिल सकता है हमें। यहाँ पे टीम नंबर 10 भी सामने है तो फाइट देखने के लिए मिल सकती है हमें। तो देखते हैं कि कौन से टीम का सबसे पहले फाइट होता है। और यहाँ पे अभी तक तो सब अपने अपने लूट पे बिजी हैं, तो देखते हैं कि फाइट होता है या नहीं, ठीक है। यहाँ से शायद टीम नंबर 10 फॉल बैक कर चुकी है, क्योंकि सामने उसको पता चल चुका है कि सामने फुल स्क्वाड 2 स्क्वाड हैं और मैं अकेला बंदा हूँ, तो यहाँ पे फ़ाइट लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है एक प्लेयर को 2 टीम के साथ भिड़ते हुए। तो यहाँ पे वो टीम नंबर 10 फॉल बैक कर गई है, एम योद्धा शायद कुछ है। और यहाँ पे टीम नंबर 5 के B2K टॉक्सिक, और यहाँ पे अभी तक किसी टीम का भी फाइट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे टीम नंबर 25 के सामने टीम नंबर 2 है, तो यहाँ पे हम लोगों को फाइट देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पे टीम नंबर 14 के साथ और टीम नंबर 4 के साथ फाइट हो चुके हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे टीम नंबर 4 का एक प्लेयर डाउन भी कर दिया टीम नंबर 14 ने। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे टीम नंबर 14 फोनिक्स टीम के हैं और यहाँ पे टीम नंबर 4 के साथ में फाइट देखने के लिए मिल सकता है। टीम नंबर 10 यहाँ पे पूरा फॉल बैक कर चुकी है, क्योंकि ये अकेला बंदा है, शायद इसके टीममेट नहीं आए होंगे या फिर एग्जिट कर गए या फिर पता नहीं। तो यहाँ पे टीम नंबर 2 के B2K सुबो को यहाँ पे मतलब फॉल बैक मतलब प्लैंक कर रहे हैं यहाँ से, तो कुछ फाइट देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पे टीम नंबर 14 और टीम नंबर 4 का भी यहाँ पे फाइट चल रहा है, तो इधर भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। और यहाँ पे शायद एक टीम नंबर 4 शायद क्लियर हो चुके हैं यहाँ से और हमने ये फाइट मिस कर दिया है, तो देखते हैं कि सामने कौन से टीम के साथ फाइट होने वाली है। तो यहाँ पे टीम नंबर 9 का एक प्लेयर आ चुका है टीम नंबर 2 और टीम नंबर 25 के बीच में, तो यहाँ पे नॉक हो चुका है एक प्लेयर जिसको B2K शैतान ने नॉक कर दिया है। और यहाँ पे ये क्लियर भी हो सका है यहाँ पे, तो यहाँ पे B2K शैतान शायद किल करने के बाद में ऑफलाइन चले गए हैं। और इधर देखते हैं कि कौन सा टीम नंबर 25 भी यहाँ पे टीम नंबर 2 के ऊपर पुश नहीं कर रही, और यहाँ पे टीम नंबर 9 का प्लेयर बहुत दूर था और पता नहीं भाई साहब यहाँ पे क्या करने के लिए अकेले आ गए थे। और यहाँ पे B2K शैतान शायद नॉक हो चुके हैं, B2K लक्सी भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, तो यहाँ पे B2K लक्सी नॉक हो चुके हैं, ठीक है, टीम नंबर 2 के। तो यहाँ पे शायद क्लियर भी हो चुके हैं टीम नंबर 2 का ये प्लेयर, तो यहाँ पे 3v4 का सिचुएशन हो सकता है और पीछे भी टीम आ गई है टीम नंबर 9, तो देखते हैं कि यहाँ से कौन सा टीम सर्वाइव कर पाती है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टीम नंबर 25 यहाँ पे पुश करने के लिए रेडी हो चुका है और क्लोज इन भी कर रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ से टीम नंबर 8 भी आ चुकी है जो कि टीम नंबर 9 के ऊपर थोड़े से शॉट्स दे रहे हैं, और यहाँ पे एक टीम फिर से मर चुकी है और देखते हैं कि टीम नंबर 5 का एक प्लेयर मर चुका है, यहाँ पे टीम नंबर 6 के एक प्लेयर ने इसको क्लियर कर दिया है, तो यहाँ पे फाइट देखने के लिए मिल सकता है हमें टीम नंबर 6 और टीम नंबर 5 के बीच में। तो देखते हैं कि यहाँ से 1v1 का सिचुएशन है तो कौन यहाँ से सर्वाइव कर पाता है। और यहाँ पे पुश करने के लिए जा रहे हैं शायद टीम नंबर 5 का ये प्लेयर, तो देखते हैं कि कौन सा टीम यहाँ से सर्वाइव कर पाती है और कौन किसको डाउन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो पता नहीं शायद कहाँ पे छुप के बैठा है, कैंप करके बैठा होगा शायद ये, तो कैंप करके बैठा है और ये इस रूम में कैंप करके बैठा है और हिल वगैरह कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसको टीम नंबर 5 के उस प्लेयर ने जो नॉक फिनिश हुआ उसने ऑलरेडी डैमेज दे दिया है। तो यहाँ पे टीम नंबर 25 का एक प्लेयर डाउन हो चुका था टीम नंबर, तो उसको रिवाइव मिल चुका है यहाँ पे, और पीछे से भी भाई साहब क्या ही पड़ रही है। और यहाँ पे ओपन में जा रहे हैं टीम नंबर 2 के B2K
शैतान और यहाँ पे नॉक होते हुए, तो अपने टीम के ऊपर भाई प्रेशर बना रहे हैं, ये क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि ओपन से जाना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि पीछे ऑलरेडी एक टीम है ये पता है, तो फिर ओपन से जाना किसी साइड में तो वो दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो यहाँ पे अगर स्मोक हो रहे हैं, क्या ये रिवाइव कर पाएगा अपने टीममेट को, तो यहाँ पे टीम नंबर टू का ये प्लेयर आ रहे हैं रिवाइव के लिए, बट यहाँ पे रिवाइव मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और टीम नंबर टू का ये प्लेयर निश्चल के भी लिए भी दिक्कत हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि वो ओपन में जा रहा था स्मोक के सहारे, तो यहाँ पे फिर से वो फॉल बैक करके उसी घर में आ जाते हैं। और टीम नंबर एट भी यहाँ पे दिक्कत दे रही है, ठीक है, तो मतलब कौन किसके साथ में भिड़ रहा है यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ पे टीम नंबर टू और टीम नंबर 25 का अब हम लोगों को यहाँ पे फाइट देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पे टीम नंबर 7 भी पीछे साथ सूख चुकी है, तो यहाँ पे टीम नंबर 7 का एक प्लेयर नॉक है और यहाँ पे कार 90 M24 का शॉट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर स्प्रे देते तो कुछ हो सकता था यहाँ पे, बट यहाँ से स्प्रे नहीं दे सकते, नहीं दिया भाई ने, और यहाँ पे अपने टीममेट को गवा सकते हैं। अगर स्प्रे देते तो अगर एक नॉक होता तो फिर वहाँ पे इसका टीममेट बच सकता था, अगर एक बंदा भी नॉक होता तो ये पुश नहीं करते वहाँ पे नॉक प्लेयर के पास में। तो यहाँ पे टीम नंबर 8 और टीम नंबर 7 का अब एक ही प्लेयर बचा है, तो ऑब्वियसली ये लोग पुश करना चाहेंगे टीम नंबर 7 के ऊपर, और देखते हैं यहाँ से कौन सा टीम सर्वाइव कर पाती है, क्योंकि अभी एक ही बंदा आगे आ रहा है। और यहाँ से अच्छा ही फायर दिया भाई ने टीम नंबर 8 के ये प्लेयर ने, और टीम नंबर 7 का ऑल स्क्वाड क्लियर हो चुका है। यहाँ पे टीम नंबर नाइन का दो प्लेयर है यहाँ पे, और एक प्लेयर ऑलरेडी पहले ही नॉक फिनिश हो चुका है। यहाँ पे टीम नंबर 2 काफ़ी बुरी तरह फंसा है, क्योंकि यहाँ पे टीम नंबर 25 पीछे से और टीम नंबर 9 भी पीछे आ चुकी है, तो यहाँ पे टीम नंबर 2 काफ़ी बुरी तरह फंस चुका है। यहाँ पे टीम नंबर 8 टीम नंबर 25 शायद पीछे से फॉल बैक कर चुकी है, क्योंकि इनको पता है कि ये अब जोन में नहीं है और ये लोग वहाँ पे फाइट लेने के कुछ मतलब नहीं बनता है, तो वहाँ पे जोन के बाहर फाइट लेना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे टीम नंबर 9 का एक प्लेयर डाउन हो चुका है, वहाँ से टीम नंबर 8 ने एक प्लेयर को डाउन कर दिया है, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है दोनों टीमों के लिए अब, क्योंकि पीछे से टीम नंबर 8 अब फंस चुके हैं यहाँ पे टीम नंबर 9, क्योंकि 25 टीम नंबर 25 तो वो फॉल बैक करके चले गए जोन में, और यहाँ से टीम नंबर 2 पीछे से पुश करेगी और टीम नंबर 8 सामने से, तो यहाँ से दिक्कत हो सकता है टीम नंबर 9 के लिए। तो यहाँ पे टीम नंबर 23 का भी एक प्लेयर डाउन देखने के लिए मिल रहा है हमें, तो कौन से टीम के साथ फाइट हुआ होगा ये तो देखने वाली चीज़ है। यहाँ पे टीम नंबर 23 और टीम नंबर 18 के बीच में यहाँ पे फाइट देखने के लिए मिल सकता है हमें, और यहाँ पे एक प्लेयर डाउन है शायद टीम नंबर 23 का, और टीम नंबर 18 का भी एक प्लेयर डाउन है, तो यहाँ पे फायर ऑन मेहरा डाउन हो गए थे, तो यहाँ पे इजीली रिवाइव मिल चुका है, और टीम नंबर 18 का भी ये प्लेयर शायद इजीली रिवाइव हो जाएगा मेरे हिसाब से। और यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा टीम यहाँ से सर्वाइव कर पाती है, क्योंकि यहाँ पे 2v4 का सिचुएशन हो सकता है यहाँ पे टीम नंबर 23 के लिए। तो टीम नंबर 18 काफ़ी अच्छा खेलता है, मैं टीम नंबर 18 के ये बीस्ट M4 के साथ मैं एक दो मैच खेल चुका हूँ, और मतलब इनके क्लान के साथ मैं एक दो मैच खेल चुका हूँ, क्लान मेंबर सबके साथ मैं एक दो मैच खेल चुका हूँ, तो ये तो काफ़ी बढ़िया खेलते हैं, और देखते हैं कि यहाँ से कौन सा टीम सर्वाइव कर पाती है, क्योंकि ऑलरेडी टीम नंबर 18 का एक प्लेयर और डाउन हो चुका है, तो यहाँ पे शायद नॉक फिनिश हो चुका है शायद टीम नंबर 18 का एक प्लेयर, तो देखते हैं कि कौन सा टीम यहाँ से सर्वाइव कर पाती है। तो यहाँ पे टीम नंबर 18 का एक प्लेयर क्लियर हो चुका है बीस्ट M4, और यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा टीम सर्वाइव कर पाती है, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेयर नॉक था, ठीक है, तो यहाँ पे B2K सुबो ये लोग भी अब शायद जोन में जाने की कोशिश करेंगे टीम नंबर 2 के ये प्लेयर, तो टीम नंबर 8 भी अब जोन में जाने के लिए रेडी हैं और जोन में निकल रहे हैं, और इनके पास अभी व्हीकल कार वगैरह कुछ नहीं है, तो इनको बाई फुट ही जाना पड़ेगा, वैसे ज़्यादा दूर नहीं है जोन तो इजीली पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे टीम नंबर 14 और टीम नंबर 18 के बीच में फाइट हो चुका है, यहाँ पे पल्टन क्लान के साथ में फाइट हुआ है, तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि कौन सा टीम यहाँ से सर्वाइव कर पाती है, क्योंकि अभी 2v4 हो सकता है, ऑलरेडी टीम नंबर 23 क्लियर हो चुका है, तो पीछे का तो दिक्कत नहीं है इन लोगों को, सामने जो भी दिक्कतें आएंगी वो सामने से ही आएंगी, तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि कौन सा टीम सर्वाइव कर पाती है। तो यहाँ पे एक टीम नंबर 18 का एक प्लेयर डाउन हो चुका है और एक ही प्लेयर बचा है,
तो 1v4 करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे टीम नंबर 18 के लिए एक को तो डाउन कर दिया, और यहाँ पे पुश करने की कोशिश, थोड़ा सा कवर लेके खेलते तो कुछ हो सकता था यहाँ पे। तो यहाँ पे फुल स्क्वाड वाइप हो चुकी है टीम नंबर 18 का, और यहाँ पे टीम नंबर 14 ने फुल स्क्वाड वाइप कर दिया है। तो अभी जोन काफ़ी छोटा हो चुका है, और यहाँ पे टीम नंबर, देखते हैं कि कौन सा टीम है, और सामने तो कोई टीम दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी फाइट लेना थोड़ा सा नहीं होगा फाइट अभी इन लोगों के बीच में। तो पीछे टीम नंबर 15 का भी एक ही प्लेयर बचा है। तो यहाँ पे टीम नंबर 2 को यहाँ पे कार मिल चुका है मैकलरन, और ये लोग अब आराम से जा सकते हैं जोन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पीछे अब कोई टीम नहीं है, जो भी टीम है वो सामने जोन के साइड में है। तो यहाँ पे अब जोन में जैसे ही एंटर करेंगे तो उनको दिक्कत हो सकती है शायद से, मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर भाई लोग आप लोग अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं इतनी देर से, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और थोड़ा प्यार दिखाओ भाई, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ, शेयर करो। और यहाँ पे ड्रॉप में देखते हैं, ड्रॉप में AWM और लेवल 3 का हेलमेट वेस्ट, और लेवल 3 का बैकपैक, और एक 4 का स्कोप है। तो काफ़ी कॉम्बिनेशन, बढ़िया कॉम्बिनेशन दिया है ड्रॉप में। और यहाँ पे टीम नंबर 15 का ये प्लेयर इस घर में थोड़ा सा होल्ड करना चाहेंगे, और पीछे से एक और टीम आ रही है शायद यहाँ पे टीम नंबर 15 के पास में। तो देखते हैं कि फाइट होता है या नहीं। और यहाँ पे टीम नंबर 25 भी आ चुके हैं, टीम नंबर 5 भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे अभी दिक्कत हो सकता है इनके लिए, टीम नंबर 5 और टीम नंबर 5 यहाँ से शायद फॉल बैक कर रही है, क्योंकि वो, उसको पता है कि ऑलरेडी एक फुल स्क्वाड आ चुकी है। तो यहाँ पे रहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है टीम नंबर 5 के लिए। तो यहाँ पे टीम नंबर 25 ने यहाँ के टीम नंबर मतलब एक टीम को क्लियर कर दिया है, ठीक है, एक ही बंदा बचा था टीम नंबर 15, उसको क्लियर कर दिया है। और यहाँ पे टीम नंबर 5 का एक प्लेयर टॉक्सिक, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 10 टीम और 23 बंदे अलाइव हैं। तो यहाँ से कौन चिकन लेके जाएगा कहना अभी भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 25 अभी तक टीम नंबर थ्री का ये प्लेयर पल्टन क्लान के हैं, पल्टन डेविल, पल्टन उदय, पल्टन योगी और पल्टन शायद प्रहलाद हैं, क्योंकि इनके टीम में यही सब रहते हैं। और यहाँ पे आई एम प्रोफेसर, इनके 2 फिनिशेस हैं, और यहाँ पे टीम नंबर 5 के 2 फिनिशेस हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फोनिक्स जोड मिसल को मार चुके हैं, बीटू के सुबो को मार चुके हैं। तो यहाँ पे 2 बंदे क्लियर कर चुके हैं, टीम नंबर 14 के शायद ये प्लेयर थे। और यहाँ पे टीम नंबर 1 का एक प्लेयर है, और टीम नंबर 3 का 3 प्लेयर है। तो यहाँ पे अगर ये नेट कनेक्ट कर जाता है तो फिर दिक्कत हो सकता है, क्योंकि एक ही साथ में 2 प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे 2 नेट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि ये बंदा भी स्पॉटेड हो चुका है, और यहाँ पे अगर ये बंदा स्पॉटेड हो चुका है तो फिर इनका बचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे और नेट से क्लियर भी हो चुका है टीम नंबर 1 का ये प्लेयर। और यहाँ पे टीम नंबर 5 का ये प्लेयर काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले चुका है, क्योंकि पीछे से शायद इसको शॉट्स आ रहे हैं, और दिक्कत हो सकती है अब यहाँ पे टीम नंबर 3 के लिए, क्योंकि अब ये जोन में नहीं है और सामने के साइड में टीम नंबर 25 है। तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है टीम नंबर 3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टीम नंबर 3, सामने टीम नंबर 5 और उसके ऊपर है टीम नंबर 25। तो दिक्कत हो सकती है यहाँ पे टीम नंबर 3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से थोड़े से बाहर निकल के देख रहे थे, शायद बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहे थे, बट पीछे से पड़ चुकी है टीम नंबर 5 को, टीम नंबर 25 ने मार दिया। और यहाँ पे टीम नंबर 3 ऑलरेडी स्पॉटेड हो चुका है, और यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि क्या ये टीम नंबर 25 टीम नंबर 3 को जोन में आने देंगे। तो यहाँ पे टीम नंबर 12 का भी शायद एक ही प्लेयर बचा है मेरे हिसाब से, और टीम नंबर 10 का भी एक प्लेयर है, जो कि वहाँ से पिकाडो से भाग के आया था, ये प्लेयर फॉल बैक किया था। तो यहाँ पे एम योद्धा ने एक प्लेयर को क्लियर कर दिया, ठीक है, टीम नंबर 25 का एक प्लेयर डाउन है, और नीचे से काफ़ी बढ़िया फाइट दे रहे हैं, बट जोन में आना है उनको तो दिक्कत हो सकती है टीम नंबर 3 के लिए, क्योंकि टीम नंबर 3 का ये प्लेयर अब कार लेके आ रहे हैं, और सामने ऊपर के शायद फुल स्क्वाड है, तो दिक्कत हो सकती है
और रैपर एक्स टोस्टी मर चुका है यहाँ का, मतलब क्लियर हो चुका है। यहाँ पे 25 का तीन ही बंदे हैं और यहाँ पे 3 फिनेसेस हैं, तो देखते हैं कि ये टीम भी काफ़ी अच्छा खेलता है, टीम नंबर 25। यहाँ पे शायद एक यूट्यूबर है, ठीक है, तो देखने वाली चीज़ है कि यहाँ से कौन सा टीम चिकन लेके जाएगा। और सामने एक टीम है टीम नंबर 3, उनका फुल स्क्वाड है, तो यहाँ पे इस मॉक में फुल स्प्रे देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक दो भी नॉक हो जाते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है यहाँ पे टीम नंबर 3 के लिए, बट टीम नंबर 3 के लिए ऑलरेडी दिक्कत है यहाँ पे। अभी 44 सेकेंड में जोन चलने वाला है और ऊपर के साइड फुल कैंप करके बैठे हैं वहाँ पे टीम नंबर 25, जो कि इनको जोन में आने नहीं देंगे। यहाँ पे टीम नंबर 11 भी पीछे से आ चुकी है और यहाँ पे थोड़े से डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं टीम नंबर, और यहाँ पे देखते हैं कि क्या वो जोन में आ पाएंगे। मुझे तो नहीं लगता है ये जोन में आ पाएंगे, क्योंकि इतना खतरनाक गेट कीप तो मैंने नहीं देखा था। और क्या ही शॉट मारा है भाई ये टोस्टी गेमिंग ने। तो यहाँ पे ये भाई साहब यूट्यूबर है शायद मेरे हिसाब से, और यहाँ पे एक को नॉक कर दिया है M24 के, काफ़ी बढ़िया शॉट दिया था और नॉक हो चुका है। और पीछे से टीम नंबर 8 भी आ चुकी है, तो यहाँ पे अब टीम नंबर 25 के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि टीम नंबर 8 का ये प्लेयर को भी थोड़ा सा डैमेज मिल चुका है, तो ये भी थोड़ा सा फॉल बैक करके थोड़े ये हिल करना चाहेंगे। और टीम नंबर 25 वैसे जोन में है तो उतना दिक्कत नहीं होगा जितना कि टीम नंबर 3 के लिए हो रहा था। तो टीम नंबर 3 शायद अब यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं पीछे की साइड में, तो इनको थोड़ा उतना दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी जोन में है टीम नंबर 25। तो अभी अगर जोन कटेगा तो दिक्कत हो सकता है यहाँ पे टीम नंबर 25 के लिए। तो यहाँ पे जोन भी आ रहा है और टीम नंबर 8 और टीम नंबर 25 दोनों के पास से जोन चला गया है, और यहाँ पे एक टीम जिसके पास जोन है वो टीम नंबर 11 है। अभी यहाँ पे 4 टीम और 12 बंदे अलाइव हैं, तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि कौन सा टीम चिकन लेके जाती है। और एक प्लेयर को नॉक कर दिया है यहाँ पे टीम नंबर 25 का, ये टोस्टी गेमिंग नॉक हो चुकी है। टोस्टी गेमिंग शायद लड़का है या लड़की है, मुझे पता नहीं है, बट नाम देख के तो लड़की जैसे लगता है, बट यहाँ पे कोई भी हो नॉक हो चुका है। और यहाँ पे आई एम प्रोफेसर जो कि काफ़ी बढ़िया खेलता है वो उनको रुबिया दे चुका है। और सामने के साइड में टीम नंबर 14, टीम नंबर 11, टीम नंबर 14 के शायद 3 प्लेयर हैं और टीम नंबर 11 के 2 प्लेयर, और टीम नंबर 25 के 3 प्लेयर और टीम नंबर 8 का शायद 3 प्लेयर, यही कुछ ऐसे ही है। तो टीम नंबर 8 का शायद 3 प्लेयर है और टीम नंबर 14 का 4 प्लेयर है मेरे हिसाब से। तो टीम नंबर 8 और टीम नंबर 25 के बीच में हम लोगों को फाइट देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पे ये बंदा एम केस की यहाँ पे नॉक होते हुए और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया खेल के यहाँ पे दो बंदे को नॉक कर दिया है यहाँ पे टीम नंबर 25 ने, और एक बंदा शायद दूर है तो रिवाइव मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे टीम नंबर 11 का भी एक प्लेयर डाउन है, तो टीम नंबर 8 का ये प्लेयर भी सामने आ चुका है और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया फाइट दे रहा है, एक को डाउन कर चुका है टीम नंबर और क्लियर भी कर दिया है यहाँ पे। तो दिक्कत हो सकती है यहाँ पे, और फ्री फायर देने के चक्कर में यहाँ पे भाई साहब भूल चुके हैं कि शायद उसका कम हेल्थ है, और यहाँ पे एक भी गोली पड़ती है तो फिर दिक्कत हो सकती है यहाँ पे टीम नंबर 8 के लिए। टीम नंबर 8 पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है और देखने वाली चीज़ है कि अब यहाँ से कौन सा टीम चिकन लेके जाए, क्योंकि 3 टीम और 7 बंदे अलाइव हैं। तो यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से टीम नंबर 25 के 2 ही प्लेयर बचे हैं और टीम नंबर 14 के 3 प्लेयर और टीम नंबर 11 के 2 प्लेयर, तो यहाँ पे टोटल 7 प्लेयर हो जाते हैं। और टीम नंबर 14 के 3 प्लेयर हैं और टीम नंबर 11 और टीम नंबर 25 के 2-2 प्लेयर हैं। तो देखते हैं कि कौन सा टीम यहाँ से चिकन लेके जाए, क्योंकि ज़्यादा एडवांटेज तो यहाँ पे टीम नंबर 14 के पास है, क्योंकि इनके 3 बंदे हैं और एक नॉक भी कर दिया है और काफ़ी बढ़िया नॉक निकाला था, बट यहाँ से पीछे से कवर दे के इनको बचा लिया गया है। और यहाँ पे 2v2 का सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि ये जो नॉक बंदा है टीम नंबर 14 का वो काफ़ी दूर है और यहाँ पे टीम नंबर 25 काफ़ी बढ़िया खेल रहे हैं। यहाँ पे आई एम प्रोफेसर जो कि काफ़ी बढ़िया खेलता है वो पुश कर चुके हैं यहाँ पे टीम नंबर 14 का एक प्लेयर 1v4 कर सकता है, 1v2 का सिचुएशन था बट यहाँ पे 1v1 का सिचुएशन निकाल चुका है और यहाँ पे टीम नंबर 14 चिकन लेके जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।